अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका एन अदर व्लॉग में, आमना वसीम के व्लॉग में। जी इस टाइम टाइम है तकरीबन 12 बजे का। बच्चे स्कूल चले गए थे और फिर मैं सो गई थी, और सुबह बच्चों ने बनाना का मिल्क शेक पी कर गए थे, तो उनके आने का टाइम हो गया। मैंने कहा जल्दी से फास्ट वाला मैंने ये अंडा प्याज बनाया, साथ में मैं ये पराठे बना रही थी। तो ये सारे मैंने गोल गोल बल वाले बनाए हुए हैं पेड़े, सिर्फ़ एक जो इनमें है वो एक डिफरेंट तरीके से मैंने बनाया, बाकी सभी तो मैंने ठीक बनाए थे। और ये एक बस जो डिफरेंट तरीके से बना था, इसका थोड़ा सा डाउट हो रहा था। चलो जब पराठा बनाएंगे तो देखते हैं। जी जनाब जी, हमने पराठे को बेल लिया है और अब हम पराठे को पकाने लगे हैं। माशाल्लाह से ये देख सकते हैं हमारी फ़ाइनल लुक पराठे की, कितना यम्मी और टेस्टी तैयार हुआ है। तो ये देखें, कभी रन कर गया है, भाग गया है। और इधर मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और आयशा भी है, अभी स्कूल से आए थे बच्चे। आयशा को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो उसने यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया, तो बस हैंड वॉश करके खाना स्टार्ट हो गई थी। चले जी, नाश्ते के बाद जो रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें जी, आयशा फ्रेश हो गई थी तैयार होकर, तो आयशा को पूछ रही थी किधर जाना है, तो आयशा बोल रही थी हमने जाना है मेले पर। तो मैंने कहा मेले पर चलो आज ना बच्चों को नानों की तरफ लेकर चलते हैं। तो मैं आया, फिर बच्चों को जल्दी से फ्रेश हो चुके थे, इनको तैयार किया और फिर हम अम्मी की तरफ चले गए थे। हाँ जी, मैं और बच्चे अम्मी की तरफ आ चुके थे। माशाल्लाह से मेरी दूसरी सिस्टर भी आई थी, हम दो ही सिस्टर हैं, उनके बच्चे और मेरे बच्चे। और यहाँ पर बन रही थी फ्रूट चाट, साथ में हलीम थी, साथ में नान थे, आज दाता साहब का उर्स भी था, इसीलिए हलीम नान लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें बांट रहे थे। तो बच्चों ने भी शोर मचाया हुआ था हमें लेकर चले आप मेले पर। हमने कहा बहुत ज़्यादा रश होता है, मैं इसमें दही और क्रीम मिक्स करके दोनों में, तो वो ऐड कर रही थी क्रीम चाट में। ये हमारी क्रीम चाट देख सकते हैं, माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। अब सर्व करने की बारी आई है, तो मैंने अपने क्या बोलते हैं जीजा जी को सर्व की थी और पूछा था बताए कैसी बनी है। तो ये देख सकते हैं जी, बिल्ली के बच्चे, दो बिल्ली के बच्चे हैं मेरी मम्मी के घर, उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, जगह जगह वो गंद उतार रहे थे, तो इसीलिए फिर बच्चों को लगाया हुआ था कि जो पकड़ेगा उसको इनाम मिलेगा, तो सारे बच्चे पागल हुए हुए थे। ये देख सकते हैं आपके एक बिल्ली का बच्चा पकड़ने में कामयाब हो चुके हैं। वो देखे कैसे छुप के बैठा हुआ है और फंसा हुआ है, तो देखे उसको मेरा भांजा निकाल रहा है बिल्ली के बच्चे को। तो अब ये दूसरे की बारी आई है, तो दूसरे ने तो वो आगे लगाया हुआ है, कभी खिड़की के ऊपर चढ़ जाता था, कभी चारपाई पर, कभी किधर, वो देखे किधर चढ़ गया ऊपर। ये देखिए फाइनली दूसरा पकड़ने में कामयाब हो गया है। कैसे इसकी आंखें चमक रही हैं, काट दिया उन्होंने और दूर ले जाकर उनको छोड़ा है। और ये देखिए अब बच्चों ने भी फ्रेश हो गए थे, बिल्ली के बच्चे पकड़ पकड़ के उनकी आत्मा बुरी हो गई थी, अब फ्रेश होकर अब इनको भी सर्व कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से सब बच्चों ने दो दो प्यालियाँ खा ली थी, छोटी थी, बहुत मज़े की बनी थी। बच्चों से चले आए हम, पूछते हैं कैसी बनी है, बताएं बच्चों। मज़े की बनी है। चलो कबीर आप ही बताओ, फिर हमने जाने में कैसी बनी है। चलो बच्चों इधर देखो और बताओ कैसी बनी है। हैया हैया।
जी जनाब जी, अब मैं फाइनल आराम से बैठकर, अब मेरे खाने की बारी आ गई है तो मैं खा रही थी माशाल्लाह से जी, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनी थी। और फिर रात को हम नेक्स्ट बच्चों को ग्राउंड में लेकर गए थे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा इंशाल्लाह।